हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सत्यशील जीत भाई की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 2005 में हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में बताया और उस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा। यहाँ ये गेम खेली गई थी स्विट्जरलैंड में और खेलने वाले दोनों ही खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के ही थे, साइमन कुमेन और रुइडी स्टाचलिन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इनका नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया है। जो भी है फ्रेंड्स, गेम बहुत अच्छी है। आपको ऐसे टेक्टिकल वेरिएशन या टेक्टिकल क्या कहूँ, एडवांटेज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधा इस गेम को ही शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की साइमन ने D4 के साथ, तो D5 यहाँ रुइडी ने किया। C4, E6, Nf3, Nf6, G3, और अब यहाँ मुझे ऐसा काफ़ी देर से लग रहा है कि ये शायद सेंटर में पॉन एक्शन हो ही जाने चाहिए थे। यहाँ ब्लैक Bd4 कर लेता तो अच्छा ही था, क्वीन A4 चेक होता, नाइट C6 से ओके इसका डिफेंस हो जाता, तो क्वीन टेक C4 और पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहता, गेम मोर लेस इक्वल रहती डेवलपमेंट वाइज भी और पोजिशनली भी, क्योंकि दोनों ही पीसेज एक एक करके भी डेवलप होंगे, उसके बाद कैसल होगा दोनों तरफ से और आगे फर्दर गेम बढ़ती रहती। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया C6, तो बिशप G2, देन बिशप E7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। क्वीन C2, B6 तो B3, बिशप B7 तो बिशप B2, नाइट A6 और फ्रेंड्स इस नाइट के A6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ ये B4 स्क्वायर तो कन्फर्म है इस नाइट के लिए। नाइट C3 तो C5, रुक एट F गोज टू D1, वाइट ने अपने रुक को क्वीन के सामने प्लेस किया, तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव है इस क्वीन को यहाँ से हटाने का। उन्होंने यहाँ अपने क्वीन को C8 स्क्वायर पर रखा, तो C takes D5, C takes D4, नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स आप यहाँ ब्लैक का अटैक देखिए, यहाँ उन्होंने स्पिड नाइट पर अच्छा खासा प्रेशर बना दिया है। तो Nxd4 यहाँ पहले वाइट ने किया, तो Nb4 अटैकिंग दिस क्वीन, तो वाइट को यहाँ अपनी क्वीन बचनी होगी, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। Nxd5, तो रुक एट A goes to C1 और फिर दोबारा ये रुक क्वीन के सामने आ गया है। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया Nxc3, Rxc3 और वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये अटैक क्वीन के ऊपर बन चुका है, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और क्या आपको यहाँ से कोई चेक मेटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है? फ्रेंड्स मुझे कोई चेक मेटिंग पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। अगले 4 मूव में यहाँ ब्लैक को चेक मेट होने वाली है, कैन यू बिलीव इट? यकीन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ वाइट ने किया था Nf5 और उन्होंने यहाँ आप देखिए कि बिशप पर अटैक बनाया और ब्लैक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अगर यहाँ आगे गेम को किस तरह से बढ़ाए। अगर वो यहाँ क्वीन एक्शन करे सिंपली, क्वीन टेक्स D2 हो, तो उसके बाद Nxe7 चेक आएगी और ब्लैक को यहाँ अपना बिशप गंवाना होगा, तो किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद रुक टेक्स D2, एक कंप्लीट पीस यहाँ डाउन होगा और फिलहाल कुछ देर के लिए अटैक यहाँ इस बिशप पर भी है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होंगी ब्लैक के साथ। तो ब्लैक और क्या ऑप्शन कंसिडर कर सकता है? अगर यहाँ ब्लैक Etxf5 करे सिंपली, यहाँ इस नाइट को ले ले, तो उसके बाद Qxd7, ब्लैक यहाँ करेगा Nxd7, तो उसके बाद Bxb7 और फ्रेंड्स यहाँ पहले तो इस रुक पर अटैक होगा और साथ ही साथ नाइट पर और उसके बाद बिशप पर, और ब्लैक लगभग सभी पीसेज अपने यहाँ गंवा चुका होगा। तो ब्लैक यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में है कि आखिर वो इस गेम को किस तरह से खेले। लेकिन ब्लैक ने जो कुछ अब यहाँ किया वो तो बहुत ज़्यादा गलत था। उन्होंने यहाँ किया Nd5, ठीक है, लगता है कि ओके यहाँ उन्होंने इस क्वीन के अटैक को ही ब्लॉक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। Rxc7 और फ्रेंड्स यहाँ ये Rxc7 आखिर वाइट ने क्यों किया? ये वही टेक्टिकल कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। यहाँ सबसे पहले वाइट ने अपने इस रुक को सेक्रीफाइस कर दिया है, क्वीन पर अटैक बना है और अब ब्लैक क्या करे? अगर वो यहाँ करे Nxe7, तो उसके बाद सिंपली Qxd7, क्वीन गई और साथ ही साथ ये अटैक यहाँ नाइट बिशप और पता नहीं सब लगभग सभी पीसेस पर अटैक होगा। तो ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट फोर्स्ड मूव है Qxe7 करने का और कुछ ऑप्शन थी भी नहीं। और फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट ने वो कॉम्बिनेशन, वो टैक्टिकल गेम प्ले लगाया जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले से कह रहा था। यहाँ साइमन ने किया Qxh6
और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो यहाँ इसी मूव पर ब्लैक को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया जी टेक्स एच सिक्स, और अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये नाइट यहाँ इस एच सिक्स स्क्वायर पर जाकर चेक मेट कर रहा है। नाइट टेक्स एच सिक्स चेक, और यहाँ ये मेट, कैन यू बिलीव इट फ्रेंड्स। अभी चार मूव पहले यहाँ इस पोजिशन से चेकमेट तक गेम को पहुँचाना, मुझे तो इस पोजिशन से कम वो चेकमेट नज़र नहीं आ रही थी। कमाल की गेम हम लोगों को यहाँ सत्यजीत सील भाई ने बताई, मैं उनका एक बार फिर दोबारा से यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।